भाई आज जो है ना सर्दी की आमद आमद है, तो हम अपने बड़ी पुरानी एक शॉप है वहाँ पे यकीनी भी ना है, क्योंकि सर्दियों में यही एक स्पॉट होता है हमारा। तो शफीक भाई भी अपने जवानी से पी रहे हैं, हम अपने बचपन से पी रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है ना अभी यकीनी भी ना है, यकीनी के साथ और भी कुछ लवाजमा आते हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज बाबा को ट्राई कराएंगे, बाबा आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमेशा इनकी रिकमेंडेशन होती है, मगर आज हमने रिकमेंड किया इनको कि निजामी रोड पे ये थानवी मस्जिद की तरफ अगर आप आएंगे ना, तो थानवी मस्जिद की तरफ भी आराम से आपको पता चल जाएगा। अभी शॉट ले रहे हैं, तो शॉट में आप देख सकते हैं कि चाचा का सूट जो है ना, ये जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीनी बड़ी जबरदस्त होती है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मसला ये है कि इसको ऐसे ही नहीं पियेंगे, इसके साथ और भी चीजें आएंगी तो फिर हम इसको पियेंगे। आज के मेहमान आप हैं, आपको खाना जो हम ले रहे हो। ये भाई ये जा रहे हैं अभी बाबा के पास, यार मेहमान वो है यार। देने भाई ये आ चुके हैं पंजे और चपिक भाई, बिस्मिल्लाह करना। और क्या भाई, कोटे गर्दन भाई, ये चाचा भी मौजूद है यहाँ पे, अभी हम चाचा से भी पूछेंगे। भैया ये देखो, ये इस तरह होता है, ये देख लो। पापा अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि पंजे खा रहे हैं, कोटे खा रहे हैं, जिसको कमेंट करने करते रहो भाई, हमने तो जो खाना है वो खाना, लेकिन सब हलाल खाते हैं ना। लोग कमेंट में बोल रहे हैं मर जाओगे, मत खाया करो उतना। एक प्लेट और लगा, पैसे हैं तुम्हारे पास? हम यहाँ मसरूफ है, चुपचाप लगे हुए खाने भाई। नो डाउट जिसने पंजे नहीं खाए ना अगर मुर्गी के, वो भी इस सीजन में आपको कुछ भी नहीं खाया, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जूसा हलाल है यार, अच्छी हलाल है भाई। ये तीनों जो है सब चीज़ें खाते हैं, हाँ मैं भी सकता हूँ, लेकिन मुझसे खाया नहीं आता। तो बस ना ये एग और ये मुर्गी की गर्दन, गर्दन तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। खाने वाली चीज़ तो पंजे है ना, पंजे खाओ। ये देखो यार, मुझे मुझसे नहीं खाया यार, खाने वाली चीज़ें मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे नहीं खाया। ट्राई तो करो। ये तो खामोशी से खा रहे हैं, ये देखो आज इन्होंने फीडबैक नहीं दिया भाई, ये डिसेंट तरीके से खाने की चीज नहीं है। हाँ ये वही है, आम खाएगा आम। भाई इसको मुंह में रखो और पूरी खेच जाओ। हाँ ये चीज, बाकी अंदर घुमा घुमा के इसकी हड्डियां निकाले हम। ये बाबा ने एक और जो ना बारी लगा लिए। शफीक भाई खामोशी से खींच रहे थे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तो बात थी, ये असल में फायदे में रहते हैं, कभी वीडियो नहीं बनाते। मैंने मंगाई है उसमें से भी निकाल लिया। तो ये गर्दन आते हैं जानबूझ के, उसको ना उल्टी सीधी बना रहे हैं। और ये पाए देख रहे हैं, ये देखिए ये पाए जी, ये गर्दन आज फुल जो है ना खाली करके आ रहे हैं हम लोग। ये यखनी का केला ये इस तरह खाते हैं भाई। क्या हुआ गर्म? नहीं तेरे को चाहिए आधी आधी खाने के बाद बोला गर्दन चाहिए। ये देख खाने के बाद ऊपर कुछ तो मिले। ये भाई बाबा पाए निपटा रहे हैं, ये आखिरी चम्मच ये। अबे ये देख अल्लाह का जम, रुक जा, आधा हाथ इसका आ रहा है इसके ऊपर। यार ये शफीक भाई को फोन दे दिया। और ये बाबा भी नहीं थक रहे भाई। हां बाबा भी नहीं थक रहे। क्या चीज है ये यार, एक तो सबसे लाइट होती है। ये देखो ये गए पूरे पंजे, कोई ले गया भाई, ये पूरे कोई ले गया। ये पायों को नहीं छोड़ा भाई शफीक भाई ने, ये देख रहे हो क्या ये देखो। अभी यह सफाई भी करनी है हम लोगों ने। ये बाजू भी होते हैं, बाजू खत्म हो चुके हैं। अच्छा बाजू खत्म हो चुके हैं। एक प्लेट यार पाए की। अच्छा पोटे यार खत्म हो गए, पोटे खत्म। अरे है एक और प्लेट पोटे की दे दो। भाई ये देख लो, ये चाचा यकीन सूप है, ये चाचा है, दिखा भी दिया हमने, तो शक्ल देख के आ जाना। लो भाई
तो ये आखिरी पाया शफीक भाई ने उठा लिया और बाबा ने उठा लिया। तो हमारी ये तकरीबन प्लेट आप देख रहे होंगे पूरी चट कर गए हम लोग, फोटे वोटे गर्दन और पाए तकरीबन हमने कोई दर्जन से तो ज़्यादा ही लिए, 8-8 ये देखो ये 24 पाए खा गए लोग। चले नहीं मैंने मैंने भी खाया यार पाए। तो बाबा व्हाट इट मजा आया, कल दोबारा आएंगे। सर्दी में पसीने आ रहे हैं, जबरदस्त सर्दी में पसीने आ रहे हैं। तकरीबन मेरे को 22 साल हो गए यहाँ। अच्छा माशाल्लाह इसी जगह हम खड़े हुए। अच्छा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम है, बहुत साफ सुथरा काम होता है। गर्दने पंजे गोटे बाजू और पूरा मुर्गी का ढांचा इसके अंदर बनाते हैं। तो इसकी टाइमिंग वगैरह क्या है वैसे? जो टाइम जो है मगरिब से लेकर रात को 1 बजे से 1:30 बजे तक, तकरीबन 1 बजे से पकती है ये। हाँ। और 4:30-5 बजे तक पकती रहती है। असर की नमाज पढ़ के आऊँगा उसके बाद में इंशाल्लाह इसका काम शुरू। तब भी ऐसा हो जाता है सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। तो माल ख़त्म हो जाता है। अच्छा मैं इतना माल वाला बनाता हूँ तकरीबन 1 से 1.5 बजे चले, लेकिन कुछ अचानक हवा चल जाए या बड़ा बारिश आ जाए तो उसमें माल ख़त्म हो जाता है। चले थैंक यू, थैंक यू भैया। तो ये था हमारा एक और फूड ब्लॉग। तो मैंने सोचा जब चूँकि सर्दी है तो यखनी का ट्रेंड बड़ा होता है कराची में, लाहौर में और पिंडी में और दूसरी जगह पर। यखनी बड़ी जो ना एक तो बड़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, दूसरा ये कि आजकल आप देखते होंगे हर जगह आपको ठेले या इस तरह के कार्ड्स मिलते होंगे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको रिकमेंड किया जाए, अगर आप एमएजीना रोड से आते हैं तो थानवी मस्जिद, अगर आपने नाम सुना होगा एहतशामुल हक थानवी मस्जिद, तो वहाँ से सीधा ही आपको ये कार्ड मिल जाएगा मंगल का। ये शाम को लगाते हैं और रात के 12-1 बजे तक लगाते हैं। अभी भी तकरीबन 1 बज रहा है और हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लोग आ रहे हैं मुस्तकिल तो जायका दे रहे हैं अंकल। तो जाहिर सी बात है वो जो मैं बात बोलता हूँ ना, स्मॉलर द प्लेस बेटर द फूड। तो छोटी सी जगह है बट जायका दे रहे हैं, तो हम भी आए और ब्लॉग बनाए और ऑब्वियसली ये तो आपको भी आइडिया होना चाहिए ये चीज़ें पेड ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आएंगे चखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। चले जी अल्लाह हाफ़िज़।